पार ब्रह्म का दर्शन करने के लिए ऋषि महात्मा सन्यासी योगी 88,000 साल की तपस्या करते हैं, उसका एक बार साक्षात्कार करना, एक बार दर्शन करना मुश्किल हो जाता है। अरे एक ऐसा नरसिंह भगत इस धरती पर हुआ जिसने उस पार ब्रह्म का, उस परमात्मा का दो बार साक्षात्कार राम ऐसा में दर्शन किया, उसकी कथा आपके बीच में सुनाते हैं। लेख कहता है कि जूनागढ़ गुजरात में एक मंगुमल साहूकार जिसका बेटे चार और एक का नाम नरसिंह बताया जाता, 56 करोड़ माया का मालिक मंगुमल सेठ था, चार बेटे थे, कोई भी कमी घर में नहीं थी, पर कमी थी तो एक थी, एक जो बेटा नरसिंह था उसके घर में पुत्र नहीं था, एक बेटी थी जिसका नाम हरनंदी बताते हैं। और उस समय दादा मंगुमल ने अपनी पोती हरनंदी, बेटियां तभी प्यारी थी, उस समय हरनंदी का रिश्ता सिरसागढ़ में किया था, मनसा सेठ बारात लेकर आया था, 12 करोड़ माया उस समय पे मंगुमल सेठ ने अपनी पोती की, नरसी की बेटी की शादी में लगाई थी। ऐसा कहते हैं जब वह बारो ठी चल रही थी तो मंगुमल सेठ चांदी के शक्के भर है मुठीर बगा दे, भरे मुठीर बगा दे, लालच मान का कुछ बरातिया ने भी सिक्के चुग लिए थे, और मनसा सेठ बेजती माने या था रे, अरे मंगुमल ने तो दौलत के नशे में अपने घर बुला के दौलत का नशा दिखाया, रात्रि बेजती करी और इसने तो करिए करी, और देख देख मेरे कर्म जो ये बराती आ रही नवी रपिये चुग लिए, इज्जत कड़े रही, सेठपना कड़े रहा, सारे बरातिया ने गाड़ दे, और अड़ भी बात थमी नहीं। बताते हैं मंगुमल सेठ ने जितने गाड़ी घोड़े बरात में आए थे सबकी कीमत पूछ ली और सबकी कीमत चुका दी, और विदाई का जब समय आया तो मंगुमल ने सारे गाड़ी घोड़े उल्टे दान कर दिए, और शर्मा गया मनसा सेठ, रेतरी तो बेजती होगी, पर कदे परमात्मा मौका देगा तो मैं इस बेजती का बदला लूंगा, ये सोचता सोचता मनसा सेठ समय बिताता रहा। और उधर मंगुमल सेठ ने पोती की शादी करके चारों बेटे न्यारे न्यारे अलग अलग कर दिए, 11 करोड़ माया चारों छोरियां का बाटा आई, और मंगुमल सेठ ने कहा बेटा ये माया खराब करने की चीज नहीं है, अगर इसको बढ़ाना सको तो इसको घटाना मत, और नरसिंह उस माया पर मुदा पड़ा था। ऐसा लेख कहता है एक बार गंगा जी का नहान, सारी अगड़ पड़ोसन तैयार हो रही गंगा नहान ने, और नरसिंह की सेठानी जाकर ने कहे बेबे ये कड़े जाओगी, ये निवलिए तने बेरा नहीं गंगा जी का नहान रहा, निवलिए मुन्ने भी ले चलो, निवली बेबे ले चलेंगी, हम तो अपने धनी की गैल जाएंगे जोड़े तो ना कहूंगी, तुम अपने घर पारी ने पूछ ले तो चल रहे तो तुम भी चल पड़ी। और नरसिंह की सेठानी घर जाती और जाके निवली सेठ जी मैं जिस दिन तक तेरे ब्याह आई हूं मैंने क्या मांगा है, हाँ नरसिंह ने बोला ना कोई फरमाइश करी हो, हाँ ने बोला नहीं, निवली पिया जी एक इच्छा है मैं जीऊं तो जब जीऊं मेरी यह इच्छा पूरी हो, हाँ ने बोला सेठानी बोल के सेठ जी मैंने गंगा जी नहवा लिया, भाई इतनी कहते नरसिंह खड़ा पाटा लाडू उतनी किसने मारी तेरा फूकिया क्या करेगी गंगा जी, निवली पिया जी उड़े पाप कटे, निवला उड़े कौन सा गंडा सा कट रहा है क्या तो कटा है पाप, निवली पिया जी सारा मोला नहाण जान लाग रहा तू मन लेकर चाल, जीऊ तो जब जीऊ जब गंगा जी नहावे, मन कोई जीवन में इच्छा नहीं करी या मेरी पहली राख रही इच्छा। नरसिंह उठ के चला गया और जोड़ तोड़ लावे के राज हठ बाल हठ और त्रिया हठ, या मानना जी नहीं क्योंकि त्रिया हठ और यह नहा के लेनी पड़ेगी, पर बावन बुद्धि बानिया बानिया का छोरा जोड़ तोड़ लावे इसने गंगा जी नहा लिया और खर्च ना हो ईसा को काम हो। और फिर गाने वाला सेठानी नहागी गंगा जी, हाँ ने बोली पिया जी नहांगी, जीव तो जब जीव जब गंगा ना, निवला फिर बात सुन दे ये देश न के बेरा गंगा की कुर ना आ गए, मैं बताऊं न्यू गंगा जी ना
तन दूना धर्म हो। हाँ निवली पिया जी क्यों करे निवला देख अड़े तो पैदल जा गंगा जी नहानर नहा के पैदल आव दूना धर्म हो। क्यों बनिया छोरा जोड़ तोड़ लाओ गाड़ी घोड़ा में जागा तो भाड़ा लगेगा किराया लगेगा। सेठानी निवली पिया जी मन मंजूर मैं पैदल चाल पड़ूंगी। और सुन ले मैं बार का नहीं खांगा बीमार हो जाऊंगा खान पीन का घर तो लेना पड़ेगा। हाँ सेठ जी मन मंजूर है मैं खान पीन का भी घर तेले चल लू। और सुने मैं प्रसाद नहीं लूंगा। हाँ निवली मत लिए प्रसाद जाहिर हो कि मैंने नवा नवा लिया। और भी सुने अक और बता अक उड़ा बामण पाओगे माथे पर चार ब्रेकर बनाए मैं दान नहीं करूंगा। हाँ निवली सेठ जी तू दान भी मत करिए चारों शरत मंजूर करा के। और नरसी शेठ सेठानी का हाथ पकड़ और जूनागढ़ तार द्वार पड़े साढ़े 300-400 कोस और सेठानी ने दाबे ले जा पैदल पैदल और द्वार ताई सिपाही के सी पिंडी कर दी और निवला ले सेठानी बनाएंगे। और बताते हैं सेठानी तो लत्या की रुखाड़ी बैठा दिया अड़ाड़े बैठ कदे को लत्या उठा ले जर मैं नांगा। और नरसी गंगा में बढ़िया और गोता मारने तैयार होया। कृष्ण भगवान ब्राह्मण के वेश में प्रकट होते हैं। ऐ नहाने वाले गंगा का वसूल नहाने से पहले तुम दान करे के तो गोता मारे था के उल्टा है निवला। हाँ राम की सुता था मगे नाहूं था मैं तुम्हें बढ़ रहा था निवला बार हो। फिर सेठानी ने पकड़ के और आगे दाब ले गया उड़ा जागा फिर भी तेरे बढ़िया गोता मारने तैयार होया। फिर कृष्ण भगवान आते हैं नहाने वाले गंगा का वसूल नहाने से पहले दान कर। हाँ दादा नाहू ना धान्यू देखू ताता है शीला हड़ेगा निवला बारो। फिर काट दिया सारी दुनिया घाटा पर नहा और नरसी शेठ सेठानी का हाथ पकड़ के दाब ले गया और दूर उड़ा झुंड बोझड़े खड़े रेत उड़े और निवला सेठानी वहां मनगा गैल तो नहीं से। और सेठानी लखाई निवली पिया जी मैर तू और कोई भी ना निवला ई बनागा। फिर नहाण ना गंगा में बढ़ गया गोता मारन तैयार होया। कृष्ण भगवान फिर ब्राह्मण के वेश में आते हैं। ऐ नहाने वाले गंगा का वसूल नहाने से पहले दान करे। हाँ निवला दादा नहाण मैं आ रहा हूं और भी कोई आ रहा है मेरा गैल की सा लाग गया तू निवला फूक दे सारी बातों को आ रहा हूं ना तू अपनी बात कर। अरे शर्म कर गंगा का वसूल है नहाने से पहले दान करना चाहिए तू दान कर। हाँ निवला दादा दान तो करना चाहिए पर दान तो वो करा जिसका दोरा क्या हो मेरा दोरा क्या सह नहीं मैं क्या का दान करूं। कृष्ण भगवान हंसने लग जाते हैं। निवला रे तेरा हिंदू धर्म तू गंगा के बीच में खड़ा 11 करोड़ माया का मालिक और के का मेरे दोरा कुछ भी नहीं। नरसी सोच ब्राह्मण तो को घर ताई घर तेजूरी ताई का जानकार है इन्हों को रहा तो री माया का भी बेरा। हाँ दादा 6-11 करोड़ की माया फिर मैं के गैल ले रहा हूं घर अंदरी है। कृष्ण भगवान निवले फिर उधार कर ले निवला दान की निवला मैं कर लिया करूं। फिर निवला पंडित जी दान सरदा समान मेरा जी करेगा उतना दान करूंगा। निवला जी करे उतना निवला एक पाई दान करूंगा। कृष्ण भगवान ने बई में लिख लिया जूनागढ़ गुजरात का नरसी शेठ गंगा के घाट पे और दान की एक पाई। और निवला लाला जी खूब ना ली खूब गोते मार मार नरसी नहाया और नागबार लगड़ा सेठानी निवली पिया जी न्यूका धार दान ना करो निवला कड़े करया। निवली पंडित जी की ओटली एक पाई तने निवला पागल की बच्ची मरेगा बा मनगा एक पाई खातिर 400 कोस कौन आओगा लेने। और नहा धोके सेठ सेठानी वापिस आ जाते हैं। एक हफ्ता गुजर गया एक रोज नरसी उस बनिया वाली कुर्सी पर लौट रहा और नरसी का मुनीम बाहर लिकड़िया। कृष्ण भगवान ब्राह्मण वेश में बाहर खड़ा निवला कौन निवला महाराज मैं तो नरसी सेठ का मुनीम। निवला तेरे सेठ ने कह दे के ब्राह्मण गंगा जी आला कह दे फेटना रहा है। और मुनीम भीतर गया निवला लाला जी
एक पंडित जी तेरे मिलन आ रहा है, पढ़ाए पढ़ाने का मेरे तो मैं बामणा ना देख गए राजी नहीं बोला फेटन का मेरा के काम। निवला जी वो आपका जानकार है, निवला मैं किसी बामण ने जानता ही नहीं। निवला लाला जी वो अपना गंगा जी पर मैं लिया होगा न्यू कहते हैं कुर्सी तड़े है। निवला आलिया वो आलिया नहीं निवला बाहर खड़िया है, निवला जाकर न्यू का दे सेठ बीमार से। अर मुनीम तो गाय निवला पंडित जी मारा लाला जी तो बीमार है। निवला ओए होए बस बीमार है तो मैं झाड़ा ला दूंगा उसका आराम हो जाएगा। अर्जुन तो शठानी ना आन दे निवली सेठ जी तड़े पड़िया। निवला घनी मत बोले तन्ने तो नाश कर यार, तन्ने तो नुकसान करा दिया, के करा दिया वो मलंग बार खड़िया। अर जा बामण आगे जाके चूड़ी फोड़ दे न्यू कदे सेठ जी मर गया। शठानी लखाओ पिया जी एक पाई खातिर निवला घनी ना बोला जीभ काट दूंगा। अर जा चली जा धमका दी और रोती पीटती शठानी गई। अन्य होली पंडित जी रोआ पीटी कर रही महाराज सेठ जी तो मर गया। कृष्ण भगवान ने बोला ईब तो मुनि मुनि को था बीमार हो गया। निवली बीमार था जब तो मर गया, जिस दिन तक गंगा जी ने हकाए उस दिन का बीमार था सेठ तो मर गया। कृष्ण भगवान अफसोस करते रहे, फिर बोले रहे देखिए आना जाना तो दुनिया का नियम है, जो आया है उसको जाना, पर भाई मेरा बड़ा प्यारा जजमान था मैं उसकी लाकड़ी दवा के जाऊंगा। इतने कहते शठानी का भी पसीना आया, आगे चूड़िया ने बामण फड़वा होगा तो बच जाए। अर उड़ा जाएगा कान में निवली सेठ जी कित के स्वर्ग लोग देखेगा बामण अड़िया खड़िया है न्यू का सा लाकड़ी दवा के जाऊंगा। निवला शठानी बात सुन ले, अरे असली बनिया का छोरा हूं, मैं नकली सांस घोट लूंगा पर मैं एक पाई दूंगा नहीं, मैं नकली मर भी जानू हूं पर पाई नहीं दूंगा। अर्थी त्यार राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। कृष्ण भगवान सबसे पीछे चलते रहे, चिता बना दी और नरसिंह का शरीर पार्थिव शरीर बना के उस पर रखा। कृष्ण भगवान एक बेड़े की ओट में बैठे रहे, अग्नि देके सारा शहर वापिस मुड़के आ गया। और जब सब चले गए वो आग बढ़े, कृष्ण भगवान ने अपनी माया से नरसी तक आग नहीं जान दी। और उड़ जाके निवला ए नरसी चता की जड़ में, जड़ती चता की जड़ में कृष्ण भगवान खड़े। और रुका मारा ए नरसी तू किसके लिए मरता, चता में पड़ा पड़ा नहीं दादा क्यों कर ले मैं दू को। निवला रहा किसके लिए मरता है, माया के लिए। निवला हाँ नरसी माया के लिए मरता है। निवला हाँ मैं तेरे को माया के दर्शन कराता हूं। उच्चता तो बाहर काट गए, कृष्ण भगवान ने माया के दर्शन करा दिए, अपना चतुर्भुजी रूप दिखा दिया और नरसी माया के लपट गया, ज्ञान हो गया, उड़े तो उल्टा बाजा। और जो दाग देख आए थे वे भी तंग लाग जैसा मुर्दे उठाए, मुर्दे उठाए सब कम न्यून न्यून बाजे। एक पाई के लिए मरने वाला नरसी और जिस दिन ज्ञान होया उस दिन तक के करने लग गया। क्या कहा लगा सीट लुटावन
नाम रुका पड़ गया। देखे दान करने की जगह कड़क कड़क करना चाहिए। नरसिंह ने कड़क कड़क करया जा के दरवाजे पे पट्ठा दिए पहरे बारे कि भाई एक बणिया का छोरा पागल हो गए और धन माया लुटान लाग रहा है। नए नए मानस जा, अरे नरसी तनु मैं पहचानिया। नरसी देखो भाई कौन है, मतरी मौसी का छोरा, मतरी बुआ का छोरा, नई नई रिश्तेदारी लगन मारे थारे कैसे जा। ब नरसी ब घर बनाओ, हमने कड़िया की जरूरत है, नहीं बोला पाड़ ले जाओ। अरे मन चौखट जंगले चाहिए, नहीं बोला पाड़ ले जाओ। सब कुछ दान करता चला गया। ये खबर शरसेगढ़ तक भी पहुंची और नंदी जो नरसी की बेटी थी मनसा सेठ को लेकर आई और आकर कहने पिताजी, अरे तेरे किस्मत में पुत्र नहीं था, मेरे कर्म में भाई नहीं था, पर पिताजी दुनिया में इस दौलत का बड़ा सहारा होता है, तू इस दौलत न लुटाओ मत, इन्हें राख ले, कदे न कदे मेरा काम आ जाएगी। सुने सब की, करे मन की, वह बनिया का जो मोला धवा गाड़ फटिए पर हीरा मनसा द मंगनिया तैयार खड़े रहे और सब देख रहे क्या जुलम हो गया। अरे हापुड़े बंबई और कलकत्ता, दक्षिण पूरब पश्चिम रुका पड़ा बाजार के वहां, चारों कूठ में नाम गूंज जा, खबर छपी इस तार के वहां, चारों कूठ में नाम गूंज जा, खबर छपी इस तार के वहां। ओए मित्र प्यारे रिश्तेदार, सुन सुन लोग आवण लगे, नई नई कथे रिश्ते ज्ञान दूसरा लावण लागे, मनसा से हर नंदी आके नरसी
चनाए मंदिर जिनमें घंटिया की घन घोर झरना पानी भरन लाग रहा पीवन नहावे डांगर ढोर पशु पखेरु आनंद भोगे पक्षी गावे संग नाचे मोर सदा व्रत पैसे से ला दिया भोग रहे हजारों भोग वैद डॉक्टर मुफत ला दिए ना जो नगढ़ में छोड़ा रोग भगमा बाणा तन पधारिया फिर नरसी ने ले लिया जोग गया तोड़ मोह के जाल में घर न छोड़ लकड़िया सब कुछ दान करके बाबा का भेस करके और नरसी जब घर से लकड़िया सारा शेठांगा मोहल्ला न्यू लगा उनका देखो रे पागल का बच्चा अरे कभी शेठों में नाम हुआ करता था 11 करोड़ माँ का मालिक और आज आज सब कम छोड़ के चाल पड़िया अरे इसका तो इतनी जगह भी घर की ना रही कि तो पीटा गाली का बैठ गया कड़े रह गायो कड़े गया कड़े रहा और चुप कर रहा करण एक लादी
नरसी का यक्कर धारा बाजे संता गया ओ जने इस दुनिया में भक्ति करनी लोगों को न्या हंसी के ले इस दुनिया भक्ति करनी लोगों को न्या हंसी के ले जब ज्ञान में हुए